तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है श्री रेणुका सुगर। आप इसके चार्ट को देखिए, देखा जाए तो इसमें ठीक ठाक रैली आ रही है और अभी तो ये स्टॉक काफी दिनों से एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इन दिनों इसमें वॉल्यूम में काफी बड़े बड़े जंप नजर आए जिसकी वजह से ये स्टॉक लगातार चर्चे में बना रहा है। अभी फिर से इसमें आज 11% से ऊपर की अच्छी खासी तेजी देखी गई है, तो अगर ये इस रेंज का ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो फिर इसमें आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इसका पास्ट देख लेते हैं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा, ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है और लगातार ऊपर नीचे करता रहता है, तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हाँ इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं यानी कि 2-4 महीने की, तो ब्रेकआउट पर इसमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो वो सब जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है श्री रेणुका सुगर्स लिमिटेड, 53 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंटरडे में 10% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 11,292 करोड़ का। आरओसी एंड आरओई की बात करें तो कुछ खास ऐसा है नहीं। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 36 रुपए का लो रहा और कंपनी ने 56 रुपए का हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो ये कंपनी 1995 से चल रही है और ये सुगर की रिफाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है, जिसमें आपका इथेनॉल हो गया, एथिल अल्कोहल, इथेनॉल, जनरेशन एंड सेल ऑफ पावर का भी ये कंपनी काम करती है। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए हैं, और इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो लो है। तो अगर हम श्री रेणुका सुगर के पीयर कंपैरिजन करते हैं तो सुगर सेक्टर में ये काम करती है, जिसमें आपका एआईडी पैरी हो गया, बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका सुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बजाज हिंदुस्तान सुगर, पन्नारी अम्मान, डालमिया भारत जैसी कंपनियां हैं, जिसमें से दोस्तों मैंने ईआईडी पैरी एंड बलरामपुर चीनी पर ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है और साथ ही साथ त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर भी बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं, आपको जरूर पसंद आएगी। बाकी अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 831 करोड़ का था, जून 2022 में 1953 करोड़, जून 2023 में 2,284 करोड़ और जून 2024 में 3,034 करोड़ का रहा, यानी कि सेल्स इसका लगातार बढ़ रहा है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में -241 करोड़ का लॉस था, जून 2022 में -114 करोड़ का लॉस, जून 2023 में -139 करोड़ का लॉस और जून 2024 में -166 करोड़ का लॉस है, यानी कि कंपनी पे लॉस बहुत ही ज्यादा है, हर क्वार्टर में इसमें लॉस ही लॉस देखने को मिल रहा है। तो अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 10,358 करोड़ का था, मार्च 2017 में 11,844 करोड़, मार्च 2021 में 5,645 करोड़ और करंट में कुल 12,069 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में -374 करोड़ का लॉस था, मार्च 2017 में -1,152 करोड़ का लॉस, मार्च 2021 में -117 करोड़ का लॉस और अभी करंट में कुल -654 करोड़ का लॉस है, यानी कि कंपनी लगातार लॉस ही लॉस बना रही है, तो प्रॉफिट कब देगी। पर दोस्तों तो इसने स्टॉक मार्केट में रिटर्न तो दिए हैं, पिछले 10 सालों में 13% की रेट से, पिछले 5 सालों में 50% की रेट से, पिछले 3 सालों में 26% की रेट से इसने रिटर्न दिया है। हाँ, पिछले 1 साल में इसने -3% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो इसकी जो बोरोइंग्स है, मार्च 2013 में 8,477 करोड़, मार्च 2017 में 9,875 करोड़, मार्च 2021 में 4,447 करोड़ और मार्च 2024 में 5,794 करोड़ का इस पे लोन है। जहां पे टोटल असेट की बात करें तो मार्च 2013 में 15,610 करोड़ का असेट था, मार्च 2017 में 12,592 करोड़, मार्च 2021 में 6,907 करोड़ और अभी करंट में मार्च 2024 तक 10,163 करोड़ का असेट है, जिसकी तुलना में भारी भरकम 5,794 करोड़ का लोन भी है। तो यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 62.48% थी, जून 2024 में भी 62.48% थी, यानी कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग से छेड़खानी तो नहीं की है। बाकी FIIs की बात करें तो 1.61% से बढ़कर 3.43% FIIs इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। TIIs की बात करें तो 11.05% से घटकर 10.08%, यानी म्यूचुअल फंड वाले अपना पैसा खींच रहे हैं, और पब्लिक की बात करें तो 24.86% से घटकर 23.98%, यानी कि पब्लिक भी अब समझदार हो रही है, ये भी अपना पोजीशन धीरे धीरे डाउन करते जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम श्री रेणुका की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 6 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि कंपनी की जो लाइबिलिटीज है उसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, अदर इनकम अच्छी है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रही है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों से बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन बढ़ रही है, सेल्स ग्रोथ इनका लगातार बढ़ रहा है और आरओसी में जो है स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, लेकिन इनकी जो डेप्थ है डेप्थ इनका बहुत ही ज्यादा है, तो यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। आरओई का ट्रेंड भी पिछले 10 सालों से निगेटिव है, शेयर प्राइस में भी उतनी उछाल नहीं आई है और रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा। बाकी अगर कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो इसके पास 24% का मार्केट है ब्रांडेड सुगर मधुर के ब्रांड में, रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है सुगर रिफाइनरी अराउंड 66%, सुगर 21.2%, को जनरेशन 5.2% एंड ट्रेडिंग 3.5%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 32% का बिजनेस होता है, बाकी का ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में
एक्सपोर्ट करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप करें तो शुगर 39.9%, शुगर रिफाइनरी 32.2%, को जनरेशन से 18.6%, डिस्टिलरी 6.5% एंड ट्रेडिंग 7.7% का प्रॉफिट आता है। तो दोस्तों हम इसके चार्ट पर वापस आ चुके हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पर एक रेंज बना हुआ है और अगर ये इस रेंज के बाहर निकलता है तो ये इस वाले रेंज में आ जाएगा। इस वाले रेंज से तो इसका अगला लेवल जो है वो 65 का दिखा सकता है, लेकिन जैसे ही ये इसके भी ऊपर निकलना शुरू करेगा फिर इसमें असली तेजी आएगी, फिर ये स्टॉक अपने पुराने लेवल 100 रुपए के आसपास करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर इसके जो आगे के लेवल्स है वो काफी दूर नजर आ रहे हैं। बाकी दोस्तों ये कंपनी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो एक बार अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें।